सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल स्टार्ट विद विदाट आई होप आप सब घर में बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग कर ही रहे होंगे ठीक है थ्योरी मैंने आपके लिए काफ़ी ईजी कर दी है एंड अब मैंने एम सी क्यूज जो है मैंने लास्ट एम सी क्यूज जो आपको पढ़ाए थे उसके अलावा मैं आज आपके लिए फिफ्टी एम सी क्यूज़ और लेकर आई हूँ एंड इसमें भी हम मैं उसे अपनी वॉइस में ही पढ़ाऊंगी मतलब एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो फिर चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के एंड जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज सबसे पहले आप एक पूरी की पूरी मैंने सीरीज तैयार की है आर्ट एंड कल्चर के ऊपर तो आप पहले उसे देखिए पेंटिंग के सीरीज उसके बाद हम एम सी वाली जो ये सीरीज है उसे देख सकते हैं आई होप आपके बहुत सारे डा, डाउट जो है वो उसमें से क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीडियम्स एंड टेक्निक्स के बारे में ठीक है सो इस टॉपिक से मैंने फिफ्टी क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं मीडियम्स एंड टेक्निक्स यानी कि आर्ट में कौन कौन सी मीडियम यूज़ होते हैं ठीक है यानी कि जैसे प्रिंट मेकिंग है स्कप्चर है पोट्री है ठीक है ये सब वाटर कलर है तो इनके हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे टेम्परा फ्रेस्को ऑल दीज थिंग्स सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है आर्ट वर्क वॉज डन फर्स्ट विद ऑकर एंड ग्रीस ऑकर और ग्रीस में जो आर्ट वर्क हुआ था सबसे पहले वो किसके द्वारा हुआ था मॉडर्न मैन मेडिवल मैन प्री हिस्ट्रिक मैन या नन ऑफ दीज सो ऑकर और ग्रीस में जो वर्क किया था सबसे पहले वो किया गया था प्री हिस्ट्रिक मैन के द्वारा किसने सबसे पहले प्री हिस्ट्रिक मैन ने वर्क किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमल्शन विच इज़ यूज एज टेम्परा मीडियम जो टेम्परा मीडियम में मतलब यूज होता है बेसिकली जो टेम्परा टेक्निक है उसमें कौन सा इमल्शन यूज होता है ठीक है तो किस किस चीज को मिक्स करके वो यूज़ होता है तो ग्लू एग और ग्लिसरीन ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको मिक्स करके टेम्परा जो टेक्निक है वो अप्लाई की जाती है सो तीनों यानी कि तीनों इसका आंसर है सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज ओकेजनली यानी कि ओकेजनली भी यूज़ होता है मिक्स करके भी यूज होता है ये ठीक है जैसे ग्लू भी कभी कभी वो एज अ बाइंडर यूज कर लेते हैं एग भी बाइंडर की तरह यूज कर लेते हैं दोनों को कभी मिक्स करके साथ में भी यूज़ कर लेते हैं ठीक है सो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा नेक्स्ट है फ्रेस्को टेक्निक वॉज मेनली यूज बिटवीन फोर्टीन टू सिक्सटीन सेंचुरी इन फ्रेस्को टेक्निक फोर्टीन से सिक्सटीन सेंचुरी के बीच में कहाँ पर यूज हुई थी ठीक है सबसे पहले कहाँ पर यूज हुई थी फ्रेस्को टेक्निक जो थी वो इटली में यूज हुई थी कहाँ पर इटली में जो कि माइकल एंजलो के द्वारा यूज करी गई थी उसने जो सीलिंग्स ऑफ स्टीन चैपल में यूज करी है ठीक है वहाँ पर उसने जो पेंटिंग्स बनाई हैं वो फ्रेस्को टेक्निक से ही बनाई हैं सो so, इसका आंसर होगा इटली का नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल पेंटिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय ऑयल पेंटिंग किसने डिस्कवर की थी ठीक है बेलिनी ब्रदर्स कैरेची ब्रदर्स वन आइक ब्रदर्स या नन ऑफ दीज सो ऑयल पेंटिंग जो है वो डिस्कवर करी थी वन आइक ब्रदर्स इन्होंने डिस्कवर की थी आपने याद रखना ये वन आइक ब्रदर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्निश विच इज अप्लाइड ओवर फ्रेस्को सेको पेंटिंग यानी कि ऐसी कौन सी वार्निश है जो अप्लाई की जाती है फ्रेस्को सेको पेंटिंग के ऊपर ठीक है so, सो फ्रेस्को जो है टेक्निक वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है फ्रेस्को सेको एंड फ्रेस्को ब्यूनो ठीक है सो इसमें पूछा है कि वार्निश जो फ्रेस्को सेको के ऊपर कौन सी अप्लाई की जाती है तो इसका आंसर है वैक्स वार्निश ठीक है क्या आंसर है इसका वैक्स वार्निश नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक विच बिलोंग्स टू वॉल पेंटिंग ऐसी कौन सी टेक्निक है जो वॉल पेंटिंग से बिलोंग करती है सो तो टेम्परा फ्रेस्को स्क्रैफ स्क्रैफिटो और ऑल ऑफ दिज सो इसमें से टेम्परा जो है वो भी वॉल पेंटिंग से बिलोंग करती है फ्रेस्को भी वॉल पेंटिंग से बिलोंग करती है और स्क्रैफिटो जो है वो भी वॉल पेंटिंग से बिलोंग करती है तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिज सो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक टेक्निक लगा के आएंगे आपने तीनों लगानी है बिकॉज तीनों ही जो हैं वो वॉल पेंटिंग टेक्निक्स हैं टेम्परा फ्रेस्को और स्क्रैफिटो ठीक है ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल पेंटिंग मेथड स्टार्टेड फ्रॉम वॉल पेंटिंग मेथड स्टार्ट कब हुआ था जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंदस वैली में कोई पेंटिंग्स uh, वगैरह नहीं थी ठीक है मौर्यन और गुप्ता में भी हमें एज सच कोई पेंटिंग्स uh, मतलब मौर्यन में नहीं मिली है लेकिन गुप्ता में जो है अजंता केव्स आती हैं सो वहाँ पर हमने देखी थी अजंता केव्स अलौरा केव्स में तो वहाँ पर हमने वॉल पेंटिंग्स देखी थी ठीक है सो वॉल पेंटिंग मेथड जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ है वो है अजंता स्कूल से स्टार्ट हुआ है बेसिकली ठीक है तो आपने टिक लगाना है अजंता स्कूल नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू टेक्निक्स ऑफ फ्रेस्को पेंटिंग हमें बतानी है दो टेक्निक्स फ्रेस्को पेंटिंग की जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि फ्रेस्को पेंटिंग की दो टेक्निक्स है फ्रेस्को सेको एंड फ्रेस्को ब्यूनो सो so, इसका आंसर होगा फ्रेस्को सेको एंड फ्रेस्को ब्यूनो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट एन ऑयल पेंटिंग टेक्निक इसमें से कौन सी ऑयल पेंटिंग टेक्निक नहीं है नहीं पूछा आपसे गाइस हमेशा क्वेश्चन में यह ध्यान रखेगा कि आपसे नहीं पूछा है या येस yes में पूछा है आंसर ठीक है ये चीज कभी ना गड़बड़ कर देती है जैसे कि अब इसमें आप जो है अगर आप इसे ऐसे पढ़ लें विच ऑफ द फॉलोविंग इज एन ऑयल पेंटिंग टेक्निक जल्दी जल्दी में कभी कभी हम ये चीजें भूल जाते हैं सो so, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एंड उसके बाद उसका आंसर करना है तो इसमें नहीं पूछा है तो इसके हिसाब से आपने ड्राई ब्रशिंग जो है वॉल पेंटिंग ऑयल पेंटिंग टेक्निक है ब्रोकन कलर्स कम्बलिंग ये सब हम कर सकते हैं लेकिन जो वॉश है वो हम ऑयल पेंटिंग टेक्निक में काउंट नहीं करते हैं तो इसका आंसर होगा वॉश नेक्स्ट क्वेश्चन है वसली इज वसली क्या है सो so, वसली जो है वो एक स्यूटेबल सरफेस ऑफ पेंटिंग है ठीक है इसको आपने याद रखना है क्या है ये बल सर्फिस फॉर पेंटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वॉश पेंटिंग टेक्निक टुक प्लेस इन वॉश पेंटिंग टेक्निक कहां पर बेसिकली स्टार्ट हुई थी या कहा से इसकी शुरुआत हुई थी ठीक है तो वॉश पेंटिंग टेक्निक जो है ना तो कंपनी स्कूल ना राजस्थानी स्कूल ना मुगल स्कूल बल्कि ये स्टार्ट हुई थी बंगाल स्कूल से ठीक है अभनिंद्रनाथ टेगोर जो थे ये वॉश पेंटिंग करते थे एंड वो बंगाल स्कूल से बिलोंग करते थे सो so, वहीं से ये स्टार्ट हुई थी वॉश पेंटिंग टेक्निक जो कि स्टार्ट हुई थी बंगाल स्कूल से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज नोन एज बॉडी कलर कौन से तरीके को कहते हैं बॉडी कलर ठीक है सो गॉश मेथड जो है उसे हम कहते हैं बॉडी कलर नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाइंग ओपेक कलर विद अ मिक्सचर ऑफ ग्लू अप्लाइंग ओपेक कलर विद अ मिक्सचर ऑफ ग्लू सो ओपेक कलर जो होता है वो गॉश में यूज होता है एंड इसमें हम ग्लू यूज करते हैं ठीक है सो so, इसको हम आंसर लगाएंगे गॉश नेक्स्ट क्वेश्चन है केयर एस स्क्वेरो वॉज स्टार्टेड बाय केयर एस स्क्वेरो जो टेक्नीक है वो लाइट एंड शेड के ऊपर ठीक है लाइट एंड शेड को मतलब शो करती है कि क्यूर एस स्क्वेरो जो टेक्निक है वो किसने स्टार्ट की थी लियनार्डो द विं ने ठीक है इसका आंसर है लियोनार्डो द विं नेक्स्ट क्वेश्चन है च सर्फेस इज यूज फॉर टेम्परा टेम्परा के लिए कौन सा सर्फेस यूज किया जाता है ठीक है जिप्सन ग्राउंड केसिन ग्राउंड मेटल प्लेट विद एनिमल ऑल ऑफ दीज सो इसमें से टेंपरा के लिए ये जो सारे ग्राउंड है ये सब यूज किए जाते हैं सो so, आपने इसे याद रखना है बस ठीक है ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोविंग आर रिलेटेड टू कमर्शियल आर्ट इसमें से कौन सा कमर्शियल आर्ट से रिलेटेड है सो so, एडवर्टीजमेंट है ये भी एक कमर्शियल मतलब हम एक कमर्शियल वर्क के लिए ही यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट पोस्टर्स सेम एंड बुक कवर्स सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज सो कमर्शियल आर्ट के लिए क्या क्या चीजें हैं इसमें एडवर्टीजमेंट पोस्टर्स एंड बुक कवर सो इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेवनटीन टू स्प्रे विथ टूथ ब्रश और अ हैंड ब्रश स्प्रे करना टूथ ब्रश से या हैंड ब्रश से उसको क्या कहते हैं ठीक है जब हम स्प्रे करते हैं तो उससे हम कहते हैं स्पैटरिंग ठीक है जब जब भी हम उसमें मतलब आ, हम अपने पेपर पे, पे डॉट डॉट्स वगैरह का इफेक्ट चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं स्पैटरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पिक्चर मेड इन अ सिंगल कलर जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पिक्चर मेड इन अ सिंगल कलर सो सिंगल कलर में जो पिक्चर बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं इसका आंसर होगा मोनोक्रोमैटिकोनोक्रोमैटिक नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पेंट विद ब्लैक एंड व्हाइट कलर इज ब्लैक एंड व्हाइट कलर से जब हम पेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं ठीक है जैसे कि मैंने ये लास्ट क्वेश्चन वीडियो में भी बताया था कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर से जब हम पेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्रोमेटिक इसका आंसर है एक्रोमेटिक एंड एक कलर में मोनोक्रोमेटिक गाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह जो है समझ नहीं आते हैं तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है और अगर आपको ये वीडियो सही लग रही है तो इस वीडियो के कॉमेंट में आप प्लीज येस करके या फिर वेरी हेल्पफुल वीडियो करके कुछ भी ऐसा नाइस कमेंट आप कर सकते हैं कि हाँ मेरे को ये पता चलता रहे कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके लिए यूजफुल लग रहा है ठीक है सो so, इतनी सी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप ये कीजिएगा एंड जिन जिन्होंने ये वीडियो देखी है ताकि मैं और मतलब वीडियोज आपके लिए लेकर आती रहूँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है माउल्ड इज अ मेटल स्कल्पचर अ फाइबर स्कल्पचर अ हैलो फॉर्म फॉर कास्टिंग एंड अ काइंड ऑफ स्मूथ क्ले सो इसका आंसर है माउल्ड क्या होता है जो कास्टिंग करी जाती है उसमें स्कल्पचर uh, में मतलब uh, पूरा का पूरा वो जो उसका आउटर स्ट्रक्चर बनाया जाता है सो so, वो होता है अ हेलो फॉर्म फॉर कास्टिंग माउल्ट जो है अ हेलो फॉर्म फॉर कास्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द एलिमेंट ऑफ मोटार इज एलिमेंट ऑफ मोर्टार ठीक है वाटर बाइंडर्स सैंड ऑल ऑफ दीज सो ये यूज होता है आई थिंक जो ईंटें वगैरह होती हैं उसमें इनको बाइंड करने के लिए ये यूज होता है सो so, इसमें वाटर बाइंडर्स सैंड ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर होगा ये सारी चीज़ें जो हैं मोर्टार में यूज़ होती हैं बाकी आप लोग इस पर सर्च कर लीजिएगा थोड़ा अगर आपको लगे कि हाँ क्या है ये बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ग्रेफाइट पेंसिल वॉज मेड इन पहली ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पता भी होना चाहिए कि पहली ग्रेफाइट पेंसिल जो बनी थी वो बनी थी 1662 एडी में ठीक है कब बनी थी 1662 एडी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजोटेंट वॉज फर्स्ट यूज इन सो so, मेजोटिंट जो है एक टेक्निक है जो कि प्रिंट मेकिंग में यूज होती है ठीक है सो so, ये कब यूज हुई थी सबसे पहली बार तो so, ये यूज हुई थी सेवनटीन्थ सेंचुरी में ठीक है आपने याद रखना है मेजोटिंट वॉज यूज इन सेवनटीन्थ सेंचुरी नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्कल्पचर विच इज स्लाइटली लिफ्टेड अप फ्रॉम द सरफेस सो स्कल्पचर जो है वो कई टाइप के होते हैं कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे आपने एक कॉइन देखा होगा तो कॉइन पे जो आ, आपने मतलब जो प्रिंट सा रहता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्टेड होता है तो वो भी एक स्कल्पचर का ही पार्ट है एक तरह से सो तो उसे हम कहते हैं लो, लो रिलीफ ठीक है वो हमारा लो रिलीफ के अंदर आ जाता है एंड आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो ज़्यादा यानी कि हाई रिलीफ उसका ज़्यादा जिसमें निकला रहता है बाहर की तरफ जैसे आपने मंदिर की टेम्पल कुछ ऐसे पुराने मंदिर हैं जिसमें आपने स्कल्पचर्स देखे होंगे कि वो आधे पीछे से जॉइंट रहते हैं एंड आधे जो हैं वो बाहर की तरफ होते हैं तो उसको हम कहते हैं हाई रिलीफ ठीक है एंड थ्री डायमेंशनल क्या होता है बेसिकली जो थ्री डायमेंशनल पूरा स्कल्पचर ठीक है जिसमें कोई पीछे बेस नहीं होता है तो इसका आंसर आपने अब पता चल गया होगा इससे तीन क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि स्कल्पचर विच इज लाइटली लिफ्टेड लो रिलीफ एंड हाईली लिफ्टेड हाई रिलीफ एंड देन जो पूरा स्कल्पचर होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है तो इसका आंसर है लो रिलीफ नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैक क्ले हैज अ शेड ऑफ जो ब्लैक क्ले है उसकी उसमें कौन सी शेड होती है तो उसमें होती है ग्रे कलर की शेड याद रखना आप है आपने ये ब्लैक क्ले हैज ए शेड ऑफ ग्रे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है बाजरी क्ले इज फाउंड इन बाजरी क्ले कहाँ पर मिलती है द प्लेन्स ऑफ गंगा द हिली एरियाज पोर्ट्स एंड नन ऑफ दीज सो बाजरी क्ले जो है वो हमें मिलती है हिली एरियाज में ठीक है आपने याद रखना है ये पहाड़ी इलाकों में हमें मिलती है बाजरी क्ले हिली एरियाज में ठीक है इसका आंसर है हिली एरियाज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन डैट विच वर्क एज अ स्केलेटन इन स्कल्पचर एक तरह से ढांचे की तरह काम करता है ये स्कल्पचर uh, के अंदर सो so, क्या चीज है वो जो स्कल्पचर में ढांचे की तरह काम करती है ग्राफ नहीं लैटिस फ्रेम नहीं इसका आंसर है आर्मेचर ठीक है जो एज अ स्केलेटन यूज किया जाता है स्कल्पचर में सो so, इसको हम कहते हैं आर्मेचर नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज यूज इन बैटिक ठीक है वॉट इज यूज इन बैटिक सो बाटिक में क्या यूज़ होता है ये एक टेक्निक है तो इसमें जो यूज़ होता है इसमें यूज होता है ये कपड़ों को शायद डाई करने के लिए यूज़ की जाती है एंड इसमें जो है वैक्स का यूज़ किया जाता है किसका यूज किया जाता है इसमें वैक्स का आपने याद रखना है बाटिक वैक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन लिथोग्राफी वॉज इन्वेंटेड बाय लिथोग्राफी किसने इन्वेंट की थी ठीक है लिथोग्राफी जो है वो इन्वेंट की थी एलॉय सेनफेल्डर ने किसने इन्वेंट की थी एलॉय सेनफेल्डर इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा लिथोग्राफी किसने इन्वेंट की थी सेनफेल्डर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी नेम्ड एज शिम्बारो इन जापान शिम्बारो की तरह किसे जाना जाता है जापान में ठीक है सो शिम्बारो जो है उसे टाई एंड डाई कहा जाता है जापान में मतलब जापान में टाई एंड डाई को शिमबारो कहा जाता है ठीक है सो इसका आपने याद रखना है टाई एंड डाई नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लोथ वॉज यूज इन चाइना फॉर स्क्रोल पेंटिंग स्क्रोल पेंटिंग के लिए कौन सा कपड़ा यूज किया जाता है चाइना में ठीक है तो स्क्रोल पेंटिंग के लिए कॉटन पॉलिस्टर खाड़ी और सिल्क इसमें से कौन सा कपड़ा यूज किया जाता है स्क्रोल पेंटिंग के लिए चाइना में जो कपड़ा यूज किया जाता है वो है सिल्क ठीक है इसका आंसर आपने याद रखना है सिल्क का क्लॉथ जो है वो यूज किया जाता है स्क्रोल पेंटिंग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू दैट विच कैन बी सीन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन हम ऐसी क्या चीज है जिसको हम हर डायरेक्शन से देख सकते हैं पेंटिंग जो है वो सिर्फ टू डी होती है तो उसे हम हर डायरेक्शन से नहीं देख सकते हैं म्यूरल्स जो है वो वॉल पेंटिंग होती है एंड ग्राफिक प्रिंट प्रिंट एक तरह से मतलब ये भी सिंपल पेपर पे ही होता है प्रिंट एक तरह से सो so, स्कल्पचर जो है वो होता है थ्री डायमेंशनल एंड उसे हम हर तरीके से देख सकते हैं हर डायरेक्शन से देख सकते हैं ठीक है सो so, इसका आंसर है स्कल्पचर नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्रोल पेंटिंग इज नोन एज थनका थनका कहा जाता है इस स्क्रो, स्क्रोल पेंटिंग को कहां पर कहा जाता है इसे सो so, इसको कहा जाता है चाइना के अंदर थनका स्क्रोल पेंटिंग को क्या कहा जाता है चाइना के अंदर थनका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ क्ले इज परफेक्ट फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स स्कल्पचर बनाने के लिए कौन सी क्ले सबसे ज्यादा परफेक्ट होती है सो so, स्कर्स जो है वो स्मूथ और फ्लेक्सीबल क्ले से जो है काफी अच्छे बनते हैं ना कि सैंडी एंड हार्ड स्टोनी एंड रेड ठीक है सो इसका आंसर होगा स्मूद एंड फ्लेक्सीबल क्ले चाहिए होती है स्कल्पचर्स बनाने के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द कलर ऑफ सैंडस्टोन इज सैंडस्टोन का कलर क्या होता है सो so, सैंडस्टोन का कलर लाइट ग्रे लाइट ग्रीन ब्राउन और लाइट रेड सो सैंडस्टोन का कलर जो होता है वो होता है लाइट रेड ठीक है आपने याद रखना है सैंडस्टोन का कलर लाइट रेड नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेयर्स विच आर बेक्ड विद द ग्रीनजी पेस्ट सो ऐसे बर्तन है ये जिन्हें बेक किया जाता है ग्रीनजी पेस्ट से सो so, वो कौन से हैं वो होते हैं सिरेमिक के ठीक है इन्हें बेक किया जाता है गिमजी पेस्ट से आपने ये याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द टर्पेंटाइन ऑयल इज फाउंड फ्रॉम द लीजा ऑफ द टर्पेंटाइन ऑयल हमें कहाँ से मिलता है वो मिलता है हमें पाइन ट्री से कहाँ से मिलता है हमें ये पाइन ट्री से नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ डाइंग क्लोथ बाय अप्लाइंग वैक्स इज जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बैटिक जो है उसमें वैक्स यूज किया जाता है एंड ये जो टेक्निक है ये कपड़े को डाई करने के लिए यूज की जाती है ठीक है सो so, इसका आंसर होगा बैटिक नेक्स्ट क्वेश्चन है टू यूज मोर देन वन मीडियम एट अ टाइम इन अ पेंटिंग इज एक से ज्यादा मीडियम को यूज करते हैं जब हम किसी पेंटिंग में तो उसे हम क्या कहते हैं मोनोक्रोम टोंकिंग या स्पैटरिंग या फिर मिक्स मीडियम सो सिंपल सी बात है जब हम एक से ज्यादा मीडियम्स को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने उसमें मिक्स्ड कर दिए हैं कई सारे मीडियम्स सो so, इसका आंसर है मिक्स्ड मीडियम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ग्राफिक टेक्निक इसमें से कौन सा ग्राफिक टेक्निक से बिलोंग करता है ठीक है रिलीफ प्रोसेस इंटेग्लियो प्लानोग्राफी एंड सेरेग्राफी ऑल ऑफ दीज सो ये जो सारी टेक्निक्स हैं ये ग्राफिक टेक्निक से बिलोंग करती हैं ठीक है सो so, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डज पेंसिल वट डज पेंसिल एच बी मीन्स एच बी का मतलब क्या होता है हाई बास्केट हार्ड ब्लैकनेस हाई बोर्ड नन ऑफ दीज सो पेंसिल एच बी का मतलब होता है हार्ड ब्लैकनेस ठीक है एच बी जैसे कि काफ़ी हार्ड पेंसिल होती है एंड उससे लाइट वर्क करने के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली ठीक तो है तो इसका आंसर होगा हार्ड ब्लैकनेस नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शेड बाई कीपिंग लिटिल पॉइंट्स टूगेदर इज नोन एज लाइट एंड शेड का इफेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं उन पॉइंट्स को एक साथ रख के या उन पॉइंट्स को दूर करके सो so उसको हम कहते हैं स्टिपलिंग या आपने एग्जाम्पल्स भी कुछ आर्टवर्क के देखे होंगे स्टिपलिंग के ठीक है तो इसमें इसका मेन पर्पज होता है लाइट एंड शेड को यूज मतलब क्रिएट करना है पॉइंट्स के द्वारा सो so इसका आंसर है स्टिपलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजोडेंट टेक्निक इज सिमिलर टू मेजोडेंट टेक्निक जो है वो सिमिलर किसके है कोलाज स्कम्बलिंग ग्लेजिंग या एक्वाटेंट मेजोटिंट so, टेक्निक जो है वो सिमिलर है एक्वाटिट टेक्निक के किसके सिमिलर है एक्वाटेंट नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर कलर पेंटिंग स्टार्टेड इन वाटर कलर वाटर कलर पेंटिंग कब शुरू हुई थी ठीक है सो वाटर कलर पेंटिंग जो है वो शुरू हुई थी एटींथ सेंचुरी में कब शुरू हुई थी एटीनथ सेंचुरी में नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल पेंटिंग मेड ऑन द ड्राई प्लास्टर विद मिनरल कलर्स वॉल पेंटिंग मेड ऑन ड्राई प्लास्टर विद मिनरल कलर्स सो इसका आंसर है फ्रेस्को सेको फ्रेस्को सेको जो है वो ड्राई टेक्निक यूज करती है एंड जो फ्रेस्को ब्यूनो है उसमें वेट सो so, इसका आंसर होगा फ्रेस्को सेको स्क्राफिटो वॉज डेवलप्ड इन स्क्राफिटो टेक्निक कहां पर डेवलप्ड हुई थी स्क्राफिटो टेक्निक जो है वो यूरोप में डेवलप्ड हुई थी इसका आंसर है यूरोप नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैथड ऑफ अप्लाइंग ऑयल कलर मिक्स विद वैक्स ऐसे मेथड को क्या कहते हैं जिसमें हम ऑयल कलर में वैक्स मिक्स मिक्स करके जो है अप्लाई करते हैं सो फ्रेस्को एम्पेस्टो एनकॉस्टिक या प्लास्टिक इसको हम कहते हैं इम्पेस्टो इसका आंसर है एम्पेस्टो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट सूटेबल ब्रशेज फॉर वॉटर कलर पेंटिंग आर सो ब्रश वॉटर कलर पेंटिंग के लिए सूटेबल ब्रशेज कौन से होते हैं ब्रिसल मैप सेबल या नन ऑफ दीज सो सेबल ब्रशेज जो होते हैं वो वॉटर कलर पेंटिंग के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूज प्रिपेयर विद अ मिक्सचर ऑफ वाइट कलर आर व्हाइट कलर को ऐड करके कलर में ठीक है ह्यू में जब हम व्हाइट कलर ऐड करते हैं सो so कौन से कलर्स बनते हैं ठीक है टिंट्स बनते हैं बेसिकली टिंट्स जो होते हैं वो व्हाइट होते हैं जितना हम व्हाइट ऐड करते जाते हैं उतना ज्यादा हम टिंट की तरफ जाते हैं एंड जितना ज्यादा हम ब्लैक ऐड करते जाते हैं उतना ज्यादा हम शेड्स की तरफ जाते, जाते हैं किसी भी ह्यू में जैसे रेड में अगर हमने व्हाइट ऐड किया है सो व्हाइट ऐड किया उसका एक टिंट बन गया उसके बाद उसमें व्हाइट ऐड किया देन टिंट्स बनते चले जाएंगे जब तक कि वो पूरा व्हाइट नहीं हो जाता ऐसे ही शेड्स जो है अगर उसमें हम ब्लैक मिक्स करते चले जाते हैं ब्लैक 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 तब तक मिक्स करते हैं उस कलर में ब्लैक जब तक वो पूरा ब्लैक नहीं हो जाता तो वो होते हैं शेड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ वॉटर कलर पेंटिंग फादर ऑफ वाटर कलर पेंटिंग सो इसका आंसर है पॉल सैंड बॉय कौन है पॉल सैंड बॉय ठीक है सो सारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं सो इस वीडियो में गाइज इतना ही एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं नया कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगी आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड आपको कोई भी क्वेरीज आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी चीज से प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड प्लीज़ गाइज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स